ग्वालियर में गर्मी चरम पर है। लॉकडाउन हटते ही यहां सियासी पारा भी अपने चरम पर होगा और चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस इलाके में सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है और बीजेपी सरकार के भाग्य का फैसला यही इलाका करेगा। उपचुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। लॉकडाउन की समाप्ति की अवधि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव मैदान में जाने वालों की सक्रियता भी बढ़ रही है। पूर्व मंत्री एवं चार बार डबरा की विधायक रह चुकी इमरती देवी ने दावा किया है कि डबरा में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, भले ही वे अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुकी हों, लेकिन उन्हें हराने का मादा फिलहाल किसी में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा डबरा के विकास की बात की है, उनका अपने विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक के साथ दिली रिश्ता है, इसीलिए कांग्रेस के नेता कुछ भी कहते रहें, उनकी बातों से मेरी जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहा होगा अगर बयान सामने आया तो जनता के, मैं जनता पे मुझे विश्वास है कि डबरा से मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरी जनता और मेरी जो भी पब्लिक है, जनता के जितने कार्यकर्ता और नेता और जनता इमरती देवी से दिली लगाव रखती है, इमरती देवी उनके दिलों पर राज करती है और मैं डबरा से, मेरी जनता मुझे नहीं हराएगी। ये बात कहने में कौन सी गलत है, मैं कह रही हूँ मेरी जनता मुझे, कांग्रेस के कोई भी नेता उतरे उनकी हिम्मत रंजन के इमरती देवी को हरा दे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने इमरती देवी के बयान को अति उत्साही बताते हुए उसे घमंड की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो इमरती देवी तो मानव मात्र हैं, क्योंकि जिस लालच में कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। और उपचुनाव में इमरती ही नहीं, कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेताओं को जनता उनकी जमानत जब्त कर इसका जवाब देगी। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग 16 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो रावण का भी नहीं रहा, इमरती जी तो एक तुच्छ मनुष्य है। दूसरी बात ये कि वो एक ओर तो ये कह रही है मुझे कोई हराने वाला नहीं है, दूसरी ओर वे झोली फैलाकर शिवराज सिंह जी के सामने बैठी हुई है कि साहब मुझे अनुदान दीजिए। तो ऐसी क्या परिस्थिति है, क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जिस वजह से वो भयभीत है, अनुदान मांग रही है? और अगर उनको इतना आत्मविश्वास है तो फिर अनुदान क्यों मांग रही है? दोनों विरोधाभासी बात कर रही है। और आप देखिए, चूंकि जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, जिन्होंने जनमत बेचा है, वे अपने आप में बहुत भयभीत हैं, उनके अंदर गिलानी भी है और जनता उनको पुरस्कार देने के लिए बिल्कुल आतुर बैठी है। जैसे ही चुनाव में जाएंगे, आप देखिए, इनका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा और इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।